प्रेम प्रसंग में हत्या। संकबी नगर जिले के मैदावल थाना क्षेत्र में हरपुर निवासी गुरु प्रसाद तिवारी के घर के अंदर 25 वर्षीय युवक की लाश मिली है। मृतक युवक दीपक का एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और बीती रात्रि में 11 बजे लगभग मृतक के परिजनों को लाश मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अपने पुत्र की हत्या की तहरीर पुलिस को देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। क्या मामला है, कैसे हत्या हुई? हम लोग तो अभी जानते नहीं है, लेकिन फोन जब गया था हमारे पास तो यही हुआ कि यहाँ जब मैदान में रहते थे बहुत पहले, बहुत दिन से रह रहे हैं, कोई लड़की ये रहती है यहाँ पे, उसके माँ बाप नहीं, उसके चाचा लोग पालते हैं, वो भी उनके चाचा यहाँ नौकरी करते हैं, तो उनके चाचा का हमारे एक जो पौना है चला सोना, उन्हीं से थोड़ा सा व्यवहार था, उन्हीं से व्यवहार से इनका भी व्यवहार हुआ, क्योंकि उसी लड़की से थोड़ा सा इनका टर्न ओवर हो गया। ये बात मतलब कि कई बार इनको वहाँ बुलाई है, लगभग 3-4 दिन तो वहीं पर गई घर पे उधर, तो कल ये गए थे सर, ये बता के नहीं गए, वो गाड़ी भी रख के गए थे यहाँ पर, गाड़ी नहीं लेके गए थे, यही नहीं पता चल रहा उसके साथ वहाँ तक पहुँचे, लेकिन जब हम लोग को कन्फर्म हुआ कि यहाँ है ऐसी ऐसी बात है, और हम लोग जब पहुँचे वहाँ देखे तो नीचे हो चुका था यहाँ पे चुका था और कमरे में लिटाए हुए थे, और जहाँ उल्टी उन्होंने वो लोग ये भी बोले थे कि उल्टी की की है, उल्टी उनके घर से पिछवाड़े हुआ है और कमरे में उठ गए थे सर्च के लिए। किसने फ़ोन किया था? लड़की ने फोन किया, लड़की के चक्कर में रहते। किसके घर में लाश मिली है? उसका नाम शायद हमको नहीं पता, जिसको मालूम है। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम सोनू है। मामला कैसे घटना घटी? मामला ये है, हमारा लड़का यही मैदान में रह कर बिजनेस चलाता था, हमने घर में हमारा मकान मेलाकला में पड़ता है, कभी हफ्ते में घर पहुंच जाता था, अचानक जो है कल तारीख अट्ठारह दिन शाम दिन बीत गया, शाम भी बीतने लगा, 7 बजे के टाइम तक वो मेहदावल में ही मौजूद रहा और ना गाड़ी ना कुछ, किस ढंग से कैसे मेहदावल से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर हरपुर गांव में मकान के अंदर से डेड बॉडी सूचना मिली, 11 बजे रात से हमको सूचना मिल रही है कि ऐसी ऐसी बात है, हम वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने पर पहले ही एम्बुलेंस की गाड़ी वहाँ पहुँच चुकी थी, 100 नंबर की गाड़ी पहुँच चुकी थी। मृतक के परिजनों ने तहरीर लेने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये क्या मामला है? ये कल रात लगभग 3-4 बजे के बीच सूचना दीपक तिवारी नंबर 25 है, ये बेघर कला थाना मतदान कमी नगर का रहने वाला है, इसका शव वहाँ पर एक घर में पाया गया था और प्रथम दृष्टिया वहाँ का मौके पर की थी, वहाँ पर उसको जो शव पाया गया उसका कोई चोट के निशान नहीं थी और सूचना मिलने पर फायर एंड मौके पर पहुँचे और उसको अस्पताल पहुँचाया गया था जहाँ पर उसको मृत्यु दिया गया था। अभी इसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में और मृत्यु का स्पष्ट कारण है क्या नहीं, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है, मृतक के परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम के क्या कार्रवाई हुई सर? अभी तक के मृतक के शव का पंचायतनामा करके